हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ सुंदरकांड के पार्ट में, तो काफ़ी लेट भी हो चुका है, तो मैं अब निकल चुकी हूँ यहाँ से, तैयार हो चुकी हूँ मैं। तो बताइएगा ज़रूर कैसी लग रही हूँ मैं। कॉपीराइट भी आ सकता है। देखो, तो ये रहे हमारी भाभी, ये रहे आंटी जी। हम काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन बहुत कम मुलाकात होती है, तो ऐसे ऐसे चीजों में, ऐसे ऐसे मौकों में मतलब आना जाना होता है। तो इन्हीं की बात कर रही थी मैं, इनकी ही शॉप है ज्वेलरी की। कल हम गए थे ब्लॉग के लिए, लेकिन भैया थे नहीं घर पे, उनका शॉप बंद था। तो देखो, एक दो दिन में टाइम मिलता तो फिर जाऊंगी मैं। बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है, मैं तो घर अभी नहीं लूंगी, बाद में लेंगे, तो बने रहिएगा। चाय गिरा देंगे, उठा के आगे रुको रखो, ये पहले पी लेंगे। बहुत गर्म है, इतना गर्म मैंने बिंदी को वाली नहीं लगाई। तुमने तो कोई भी नहीं लगाया। अगर मैंने ये अभी लगा ली ना, तो मेरी शादी तक मेरे यहाँ दाना होगा। ऐसे वाले लगा दो, ये तुम्हारा भी लगाना, जरा शायद छोड़ के लगाओ, ये तार ये स्विंग के साथ। हाँ, अभी रुक जाओ, संभाल दो अभी से। ये वाला टीका लगाओ, इतना सुंदर मेकअप करा है अभी मैंने। भैया हमारे लगे टीका, भैया यही बगल में बैठ जाइए। अब कहाँ, इसी में पहले तो मेरा फोन लगा था, कल हमने वहाँ लगाया था कालकाजी में, इतना अचानक से प्रोग्राम बना, मैंने कहा ले जाओ उतारो, ऑफिस में रखा मेरे मेल पेंट है ना, तो निकाल दूँ। हाँ, निकाल के लगा दो। मैं तो मई के चक्कर में थी, अब वो कह रहे हैं जी गर्मी ज़्यादा है, मैं कभी तुम अप्रैल में ही आ जाओ। Oh,
तो अद्वैताचार्य जी उन्हीं का आज जन्मदिन है, आविर्भाव दिवस है, जिनकी कृपा से जिनके बुलाने पर पे आ गई। बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही अच्छा पार्ट था, बहुत अच्छा लगा और काफी लोगों से आज मिलना भी हुआ, नाच गान खूब हुआ, बहुत अच्छा ब्लॉग बना है, जरूर वॉच कीजिएगा। काफी अच्छा मनमोहक सुंदरकांड का पार्ट था। अभी पार्ट हो रहा है लेकिन मैं आ गई जल्दी क्योंकि काफी टाइम भी हो गया था, 8 बज चुके तो अभी काफी टाइम लगेगा वहां पे। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में रेसिपी के साथ। बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।